एक दिन शैम्पू में मिलाकर या फिर शैम्पू से अपने बालों को इस तरह से धो लें तो बाल आपके इतने ही दिन में आपके लंबे घने होने के साथ साथ बालों का झड़ना भी रुक जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में एक बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ है। दोस्तों, अक्सर हम अपने बालों को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं या फिर उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बालों को लेकर चिंता में आ जाते हैं। ऐसे में बालों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। यदि आप एक दिन में अपने बालों को लंबा करने का उपाय खोज रही हैं तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ऐसा कोई तरीका नहीं मौजूद है जो आपको एक दिन में बाल लंबा करके देगा, लेकिन अगर आप एक एक दिन करके इन तरीकों को आजमाते हैं तो आपके बाल जल्दी ही लंबे घने हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बाल हमारी खूबसूरती का अहम हिस्सा होते हैं। यही वजह है कि लंबे घने और चमकदार बाल पाने की चाहत हर महिला की होती है। कई बार तमाम कोशिश करने के बाद भी लंबे बाल पाना एक सपना ही बनकर रह जाता है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रहे हैं जिन्हें फॉलो करके आप बालों को लंबा कर सकती हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। लेकिन इसे जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे और आपके लंबे बालों का सपना ही अधूरा रह जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर एक, दोस्तों फलों में केला बालों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। इसे खाने से बालों की ग्रोथ होती है, साथ ही साथ इसे तैयार हेयर मास्क बालों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। केले में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई के अलावा कई मिनरल्स भी मौजूद होते हैं जो बालों को मॉइस्चराइज और मजबूती प्रदान करते हैं। केले का हेयर मास्क बनाने के लिए आप एक केला ले लें और इसे मैश कर लें। अब उसमें 2 चम्मच दही, 2 चम्मच गुलाब जल मिलाएं। इसे बालों और स्कैल्प पर लगाकर अच्छी तरह से कम आधे घंटे के लिए छोड़ दें, फिर बालों को पानी से धो लें। नंबर दो, दोस्तों प्याज में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो हमारे बालों के विकास को बढ़ाते हैं। इसमें मौजूद सल्फर तत्व बालों को थिक और शाइनी बनाता है, साथ ही साथ है उनकी लंबाई को भी तेजी से बढ़ाता है। प्याज के रस सिर के ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है और स्कैल्प को मजबूत करता है। इससे आपके बाल स्वस्थ होते हैं और उनका विकास तेजी से होता है। इसके लिए हफ्ते में एक बार प्याज को काटकर उसके रस को निकाल लें और उसे नारियल तेल में डालकर बालों में अच्छे से मालिश करें। इसके बाद आप बालों को अच्छे से धो लें। नंबर तीन, दोस्तों बाल पतला होना और गिरना तब शुरू होता है जब उनका अच्छे से ध्यान नहीं रखा जाए। कुछ गलतियों के कारण बाल समय से पहले सफ़ेद होना, कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, और इससे बचने के लिए आप यह जान लें कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बालों का किस तरह से ध्यान कर रहे हैं। दोस्तों, आप बालों पर केमिकल युक्त चीज़ों को लगाना छोड़ दें तो आपके बाल तेज़ी से लंबे और घना होने शुरू हो जाएंगे। नंबर चार, दोस्तों सेब के सिरके से बाल धोना बहुत ही अधिक आसान और मशहूर तरीका है और इससे आपके बालों को लंबा करने में मदद मिलती है। इसके लिए आप शैम्पू से बाल धो लेने के बाद अपने बालों को अच्छे से सेब के सिरके से धोने की जरूरत है, और इसके लिए आप एक अच्छे कंडीशनर का भी काम करेगा। दोस्तों, इसके लिए आप केवल सेब के सिरके के 1 से 2 ढक्कन ले लें और इसे 1 मग पानी में मिला लें और अपने बालों को शैम्पू करने के बाद इस पानी से धुल लें, और कुछ देर बाद अपने बालों को 10 से 15 मिनट के बाद आप बालों को फिर से सादे पानी से धुल लें। ऐसा करने से आपके बाल तेजी से लंबे और घने होने लगेंगे।